वेन रूनी एक अद्भुत फुटबॉल खिलाड़ी थे। वह मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल टीम के लिए भी खेले। रूनी की शादी 2008 से मॉडल कॉलिन से हुई है और उनके 4 बेटे हैं। शराब पीने की समस्या के कारण उनकी शादी में समस्या आ रही थी। उसने शराब छोड़ने का फैसला कर लिया। वह डर्बी काउंटी फुटबॉल टीम के कोच भी है। जुलाई 2021 को इंग्लैंड के मैनचेस्टर में मॉडल टेलर रायन, ब्रूक मॉर्गन और एलिस मेलविन एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी के लिए चाइना व्हाइट क्लब में गए थे। रूनी भी क्लब में थे। शराब छोड़ने के बावजूद वह शराब में लिप्त थे और बहुत अच्छा समय बिता रहे थे। रूनी को एक कम कपड़े पहने सुनहरे बालों वाली महिला, जिसने एक बैकलेस टॉप पहना हुआ था, उसके साथ बात करते हुए देखा गया था। यहां तक कि उन्होंने उसे गले लगाया और किस भी किया। यह सब करते हुए उनकी तस्वीरें ली गई। बाद में रूनी ने फिर तीनों लड़कियों को अपने वीआईपी बूथ पर आमंत्रित किया। वे सब मस्ती करने और शराब पीने के लिए वहां गए थे। कुछ देर बाद तीनों लड़कियां, रूनी और 2 अन्य दोस्त स्टे सिटी होटल में गए। रूनी एक कुर्सी पर नशे में धुत होकर पड़े थे। इसके बाद लड़कियों ने उनके साथ सेल्फी ली। स्नैपचैट पर पोस्ट की गई तस्वीरें, यह सांकेतिक नाम है, वायरल हो गई। इन तस्वीरों ने दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को चौंका दिया। एक तस्वीर में लाल आंखों वाला रूनी हवा में वाइन का ग्लास लहरा रहा था। वह सुस्त लग रहा था और कुर्सी पर गिरा पड़ा था। लड़कियों ने उनके साथ सेल्फी ली। एक तस्वीर में रूनी नशे में धुत है और उसके पीछे एक लड़की अपने अधोवस्त्र में बिस्तर पर लेटी हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर वायरल हो गई। एक लड़की जो थोंग पहने हुए थी, रूनी के बगल में अपने हिप्स दिखा रही थी। यह तस्वीर स्नैपचैट पर वायरल हो गई। अगली सुबह जब रूनी उठा तो वह जल्दी से होटल से निकल गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
उनके अनुसार तस्वीरें उनकी अनुमति के बिना ली गई और सोशल मीडिया पर डाली गई थी। रूनी के दोस्तों ने कहा कि होटल में कुछ नहीं हुआ। दोपहर 12:30 बजे तीनों लड़कियां होटल से निकली और उन्होंने पुष्टि की कि उन्हें रूनी के साथ रात बिताने में बहुत आनंद आया, लेकिन उन्होंने विस्तार में बताने से इनकार कर दिया।